हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है भाई आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त मस्त होंगे। वेलकम बैक टू स्टार गेमिंग। तो दोस्तों आज हम फिर से खेलने वाले हैं अमेरिकन ट्रक सिमुलेटर। और इसके अंदर भाई मैंने आज शेड्स लगाए हैं, यानी कि जो रीशेड होता है, शेडर पैक लगाया है, तो मैंने खुद ही कस्टमाइज़ किया है। तो ये है भाई ओरिजिनल गेम, तो ऐसी होती है। और मैंने शेडर पैक लगा के इसको थोड़ा एनहेंस कर लिया है, तो बताना मुझे इसको कैसी लगी। और चलते हैं इसको, अब ड्राइव करते हैं अपने ट्रक को। तो भाई पिछली बार कुछ सामान लेके मैं यहाँ पर पहुँचा था और यहाँ पर रेस्ट करने के लिए रुक गया था। तो अभी क्या टाइम हो चुका है, तो अभी सुबह के 9 ही बजे हैं, 9:30। तो चलते हैं भाई अब अपने कुछ काम ढूंढते हैं। और मैंने आज भाई ट्रक को कलर नीला रंग कर लिया, नीला कलर, ब्लू वाला। भाई $3,000 मेरे लग गए। तो एक बड़ा सा कुछ सामान था वो लेके आया था। और भाई मुझे यहाँ पर एक मिला वोल्वो का डीलर, तो डीलर अभी बंद है। और बताना यार नीला ये रंग कैसा लगा आपको। तो अब चलना है मुझे कंपनी में और देखते हैं यहाँ पर कंपनियाँ कहाँ कहाँ पर हैं। देखो अगर तो मैं हूँ यहाँ पर भाई, एक कंपनी यहाँ पर है, एक ये है, 2-3-4 कंपनी है भाई। तो चलते हैं बड़ी कंपनी में चलते हैं यार किसी में। तो ये मुझे पहले यहाँ चलते हैं, देखते हैं कुछ सामान नहीं तो फिर यहाँ चलेंगे। ओके यहाँ लगा लेते हैं एक बार, और राइट को जाना तो मोड़ लेंगे इसको। और मोड वगैरह भी मैंने कोई नहीं लगाया, हटा दिए। ओ भाई इतनी तेज आ रहा है ये, तो इसको जाने देते हैं भाई को और हम चलते हैं अब। ठीक है भैया, कोई नहीं आ रहा, निकालते हैं अपने ट्रक को जल्दी से। और कलर भाई बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं आज, देखो मस्त। तो ये है भाई ओरिजिनल कलर, ऐसे होते हैं, गेम ओरिजिनल ऐसी है। तो इसके अंदर कोई शेडर नहीं लगा हुआ, और ये शेडर लगा के भाई ऐसा आया, तो आया ना मज़ा। कहाँ गई रे कंपनी, ओ आ गए। तो नीला रंग अच्छा लगा मुझे, मैंने पीला भी किया था लेकिन पीला यार ज़्यादा ठीक था वो भी। मैं मेहरून करना चाहता था लेकिन क्या हुआ, मेहरून कलर अभी कस्टम कलर मेरे पास है नहीं, क्योंकि भाई अभी मेरे लेवल्स कम हैं तो लेवल्स और बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये तो मुझे लगता है छोटी सी कंपनी है यार, कहाँ पे है ये, मैं है कहाँ ये। तो ट्रक भाई अपना इस पीटरबिल्ट का है, और देखो एक काम करते हैं इसमें लगाते हैं, देखते हैं क्या बोलता है ये। क्या बोलता है तू, ये देखो खड़ा हुआ बंदा। तो चलते हैं फ्राइड मार्केट के अंदर और देखते हैं क्या जॉब देने वाले हैं भाई। ये दे रहा है एक टब ग्राइंडर, और एक दे रहा है फॉरवर्डर, 19 टन का भाई, ये 27 टन का, ओ भाई मेरे। तो चलो ये बहुत ही हैवी सामान है, इसको छोड़ते हैं, तो ले लेते हैं इसको जॉब को। और ये क्या कह रहा है, एक मिनट क्या कह रहा है भाई, यू आर अबाउट टू हैवी जॉब। अच्छा अपने ट्रक का रिव्यू कर लो, ओके कर लिया भाई कर लिया, हमारा ट्रक बहुत सॉलिड है। तो मेरे ट्रक की कुछ अपग्रेड भी आई हुई हैं, तो अपना ट्रक भी अपग्रेड करना है, लेकिन अभी एक पैसे कम है, $1,00,000 ही है। तो शेडर से भाई अच्छा आ रहा है, कलर वलर एनहेंस हो गए बहुत ज़्यादा, बढ़िया लग रहे हैं। और भाई ओरिजिनल लग रहे हैं एकदम, तो ओरिजिनल गेम के साथ कोई मज़ा नहीं आता। तो ये रेड रेसिंग एक तरह से कह लो, रेड रेसिंग कर रहे हैं हम। अच्छा वो होता फॉरवर्डर, ओके बस 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 बेटर लगा दे। लो भाई हो गया माल अपना तैयार। तो ये किस काम आता है भाई, बताना मुझे यार ये क्या चीज़ है। तो ओरिजिनल में देखा जाए तो यार कुछ समझ नहीं आता। देखो ट्रक का कलर भी कैसा नील हल्का सा लग रहा है। चलो अब देखते हैं कहाँ से जाना है हमें, जाना भाई इधर को, लेफ्ट को इंडिकेटर लगा देते हैं। और ओ भाई गाड़ी आ रही है, इधर देखते हैं कुछ नहीं, इधर तो रेड लाइट है और उधर कोई नहीं। चलो 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 निकालो, अरे निकाल, अच्छा निकालना क्या भाई, तो फंसी गया। ओ अच्छा अच्छा भाई अब ये तो अब क्या हुआ, ये कहाँ फंस रहा है भाई। ओ भाई ये तो बहुत नीचे है यार, अच्छा नीचे फंस रहा है, ओ ये दिक्कत है। रुक जा, इसको भाई थोड़ा सा दूर लेके काटना पड़ेगा यहाँ से भाई, रुक जा गाड़ी वाले। ओ भाई क्या बढ़िया गाड़ी ले गया भाई, देखो अब उसकी गाड़ी में लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं बच गई, ओके। तो नीचे नीचे लग गया था, तो भाई लंबा भी है, और देखो ये किसी क्रेन सी है कोई, ओवरसाइज लोड है भाई। चलो तो ये बताना यार कैसे लग रहे हैं आपको कलर। भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ओरिजिनल एकदम मक्खन मलाई की तरह। ओरिजिनल गेम में मज़ा नहीं आता यार, देखो दिस इज़ ओरिजिनल, बट कलर लगा के भाई बहुत बढ़िया लग रहा है।
और भाई जो बाहर गाड़ियां खड़ी हैं, ट्रैफिक चल रहा है, वो भी एकदम रियल लग रहा है भाई, एकदम पूरे शेड्स निकल के आ रहे हैं और डिटेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। डिटेल जैसे पहले कम आती थी, अब डिटेल बहुत ज़्यादा आ रही है, तगड़ी तो भाई बहुत ही मज़ेदार है। चलो छोड़ते हैं सामान को भाई, और देखो ब्रेक, ब्रेक का देखो नेस साउंड, इन गाड़ियों को देखो, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे देखो बिल्कुल भाई जेन्युइन गाड़ी लग रही है, ओरिजिनल। देखो भाई क्या ही ग्राफिक आ रहे हैं यार, सच में मुझे मालूम नहीं था यार कि शेडर जो रीशेड होता है इतना बढ़िया काम करता है। तो एक और आता है आरटी रे ट्रेसर 0.17.2, तो उसके लिए तो भाई पैसे देने पड़ेंगे। वो एक भाई बेचता है, लेकिन उसको हर महीने कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो मेरा एक दोस्त है, गेमिंग वाला ही है, वो डिस्कॉर्ड पे, उसके पास है शायद, तो मैं उससे एक बार लेकर ट्राई करता हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो ख़रीद लेंगे। तो उसने अभी दिया नहीं, मैंने उसको मैसेज किया था सुबह, अगर वो मिल गया रे ट्रेसिंग का तो फिर भाई बहुत ही इससे भी ज़्यादा अच्छे ग्राफिक शायद हो सकता है कि इससे बढ़िया ग्राफिक आए। तो देखो यार अंदर से क्या भाई ब्यूटीफुल नज़ारा, देखा क्या बढ़िया लग रहा है, देख रहे हो ओरिजिनल एकदम भाई। आप मेरे पहले वाले वीडियो देखना, और ओ भाई इधर को, तो यार ऐसे चलती रही। तो आप पिछले वीडियो देखना इसके, अमेरिकन ट्रक सिमुलेटर के, और ये वाला देखना, दोनों में फ़र्क देखना भाई कितना, भाई सातवें आसमान का फ़र्क है। गाड़ियों की डिटेल देख रहे हो भाई, एक एक रिफ्लेक्शन देख रहे हो, क्या बढ़िया हो रहा, ज़बरदस्त। तो भाई इसको ज़रा ज़बरदस्त तरीके से मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई लंबा बहुत है, इसको ध्यान से मोड़ेंगे। ओके लो भाई कट गया, और डिटेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और वैसे भी मैं शुरू से ही भाई 400% स्केलिंग पे खेलता हूँ, तो स्केलिंग मैंने फुल कर रखी है जितनी इस गेम के अंदर अलाउड है। तो भाई इतनी स्केलिंग पे क्या होता है, ओ भाई गाड़ी नज़र नहीं आ रहा, तो इतनी स्केलिंग पे भाई बहुत ही बढ़िया ग्राफिक आते हैं। और आज तो फिर शेडर पैक लगा के, तो शेडर पैक नहीं इसको बोल सकते, मतलब रीशेड है, एक रीशेड डॉट मी इनकी वेबसाइट है, वहाँ से जाके इसमें बहुत सारे शेड हैं, उसमें आप लगा सकते हो। तो अगर आप बाहर का देखें नज़ारा, तो भाई आ रहा है बहुत ही प्यारा प्यारा। तो कलर हम बढ़ा भी सकते हैं, कम कर सकते हैं अपनी सेटिंग से, अपनी मर्जी से। तो रोड की डिटेलिंग भी देखो क्या शानदार आ रही है, और ऐसे देखेंगे तो रोड ऐसा नज़र आता है, और बाहर देखो जंगल में ऐसा लग रहा है जान नहीं है, इससे थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो मैंने थोड़े ज़्यादा करे हुए हैं हल्के से भाई, थोड़ा कलरफुल में ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलो भगाते हैं इसको, देखते हैं यार कहाँ भाग रहा है ये। 87 पे ही है भाई अभी, तो भाई बहुत हैवी है, 29 टन का, बहुत ही हैवी हो गया। चलो निकालते हैं इसको जल्दी से, और देखो ट्रैफिक उधर से भी भाई भगा ही जा रहा। और यहाँ पर देखो लाल बत्ती नहीं है, मतलब कोई रेड लाइट नहीं है, कोई ट्रैफिक वाला नहीं है, मतलब जैसे कि यूरो ट्रक में चलान कटते रहते हैं, थोड़ी सी स्पीड तेज हो जाए, लेकिन इसमें नहीं कटता, तो इसमें ये खास बात है। और खंभे भी नहीं है यहाँ पर, रात को लाइट अंधेरा हो जाए तो भाई फिर तो हालत ही ख़राब हो जाती है। लेकिन ये रे ट्रेसिंग जो मैंने करी है, मतलब जो पैक लगाया है आई मीन री शेड, इससे भाई रात को भी थोड़ा सा नज़र आता है हल्का सा, तो ये अंधेरे में भी काम करता है। तो देख रहे हो क्या बढ़िया लग रहे भाई, पहले से 100 गुना एनहेंस हो गया। तो बताना कमेंट करके आपको कैसा लगा। तो मैंने तो ऐसे लगाए हैं अभी कस्टम, मैंने अभी और मैं इसको टेस्ट करूँगा भाई, मैं कल दोपहर से लगाऊँ इसमें, कल दोपहर से लेके और आज दोपहर तक मैंने इसको बहुत टेस्ट किया, कई गेम में टेस्ट किया, FS19 में भी टेस्ट किया, उसमें भी देखता हूँ लगा के। तो अभी तो मैं टेस्टिंग पे हूँ इसमें, तो इसमें लगेंगे 2-4 दिन और तो सेट हो जाएगा भाई कलर वलर, फिर मज़ा आएगा। और अब देख रहे हो डिटेल सामने भाई, गाड़ी जा रही है, एक एक छोटा छोटे पार्ट भी नज़र आ रहे हैं, ब्रेक मार रहा है, उसकी लाइट भी चमक रही है, देख लो क्या कर रहा है भाई तू, बीच में क्यों ब्रेकें लगाया जा रहा भाई, समझ नहीं आ रही उसको कुछ। तो यार क्या हुआ था पिछली बार जब मैं सामान लेके जा रहा था, तो मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैंने दरअसल इस खिड़की को बंद रखा था, तो मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो भाई डीजल ख़त्म हो गया ट्रक का, फिर मैंने एमरजेंसी में तेल मंगवाया उनसे, भाई इतना लूटते हैं, $252 का उन्होंने मुझे 56 लीटर डीजल दिया, 56 लीटर वो भाई ख़त्म हो गया। फिर मैंने दोबारा मंगाया, तो मतलब $500 मैंने खर्च दिए। और फिर मैंने एक पेट्रोल पंप पे जाके भाई जब तेल भरवाया, आप यकीन नहीं मानोगे भाई, $500 का मेरा पूरा टैंक फुल हो गया, यानी कि 250-300 लीटर तेल आ गया।
तो भाई उन्होंने मेरे को 500 रुपये में सिर्फ 100 लीटर तेल दिया था। बहुत लूटते हैं यार एमरजेंसी के अंदर, सॉरी जुबान फिसल गई थी। तो लो भाई पहुंचने वाले हैं शायद कितनी दूर, अब ज़्यादा लंबा नहीं लिया मैंने टूर, छोटा सा लिया। और ये देखो अपना ट्रक जा रहा है, ओ यार नज़ारा नहीं लिया, चलो लेते हैं अभी नज़ारा बहुत ही प्यारा प्यारा। और ये देखो अपना ट्रक जा रहा, ये भाई ये ठुक जाएगा अभी, अभी 1% डैमेज भी नहीं हुई है, डैमेज हो जाएगी। अभी लेते हैं यहाँ जरा रोड सीधा सा है तो आएगा मज़ा। हाँ अब आएगा, यहाँ पर आएगा कुछ, इसको ओवरटेक करते हैं। ये भाई साहब क्या नज़ारा आ रहा नीले ट्रक से, गदर गदर। और ट्रक के साथ साथ मुझे सड़कें भी नीली नीली नजर आने लगी हैं, लीली लीली नहीं नीली नीली ब्लू ब्लू, तो डिटेलिंग बढ़ जाती है भाई इससे बहुत ज़बरदस्त। तो जो डिटेल मर जाती है ना, जैसे ये देखो इसमें, ये देखो देख रहे हो कुछ खास ऐसे मरा हुआ, अब ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ग्राफिक मरे हुए हैं। पहले हम इसमें खेलते थे लेकिन अब देखो भाई क्या एनहेंस होता है यार है ना गदर। तो पहले मैं खेल रहा था बेकार ग्राफिक में, तो भाई ग्राफिक कार्ड तो मेरा बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसके लिए RTX ग्राफिक कार्ड भी लेने की ज़रूरत नहीं है। एक होता है ना RTX ग्राफिक कार्ड जो नए आए हैं, 2080 आया है, 3080 Ti भी आया है भाई, वो 3.5 लाख रुपये का ग्राफिक कार्ड ही, तो उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसी से काम चल जाएगा। तो बाहर का देखो, अगर अब देखो बाहर का नज़ारा, देखे ग्रीनरी और पीछे पहाड़ी की डिटेल देखो, एक एक डिटेल नज़र आ रही है। पत्थर देखो, देख रहे हो पत्थर कैसे बढ़िया नज़र आ रहा है एकदम, ये देखो ये अब आया ना भाई पूरा मज़ा रोड का। ये भाई भाई बहुत मज़ा आया, मैंने इसके साथ 2 मिशन करे सुबह से, इसलिए मैंने अभी गेम प्ले लेट बनाया। तो अगर आप कहोगे ये बोले प्रीसेट आपको चाहिए तो मैं दे दूँगा, कमेंट करना, मैं इसको इसी वीडियो में डाल दूँगा। आप इसको अगर आपको पता है रीशेड कैसे काम करता है, तो नहीं तो भाई उसका एक वीडियो बनाना पड़ेगा अलग से कि ये कैसे चलते हैं, रीशेड कैसे चलता है, मतलब कैसे इंस्टॉल होता है और इसमें फाइलें कैसे काम करती हैं। तो मुझे मैंने एक बार डाला था फार्मसीमीटर के अंदर, लेकिन मुझे समझ नहीं थी उस टाइम, मैंने कहा पता नहीं क्या है यार, क्योंकि फार्मसीमीटर के ग्राफिक वैसे अच्छे हैं, तो इसके भी अच्छे हैं वैसे तो, लेकिन इसको लगाने से मतलब बढ़ जाते हैं बहुत। तो जैसे मतलब आप मान लो कि दाल बना रखी है आपने, तो भाई उसमें थोड़ा सा घी डाल लो देसी, या फिर मक्खन डाल लो अमूल का, तो कंपनी का नाम नहीं लेना, मतलब मक्खन डाल लो सफ़ेद वाले डाल लो घर का निकला हुआ, तो भाई उसका स्वाद बढ़ जाता है। तो भाई ये साथ में आम का अचार हो, नया नया ताज़ा ताज़ा अचार डाला हो, खट्टा खट्टा सा, हाँ भाई मज़ा सा आया। तो वही है, वैसे ही इसके ग्राफिक देखो इतने ज़बरदस्त हो चुके भाई, अब आएगा ना खेलने का मज़ा भाई। ओके हुआ, और भाई मुझे लगता कुछ कमाई हुई है, पता नहीं यार क्या आया था भाई, इसका वेट करना है क्या। अबे यार ये मैसेज आया था नज़र क्यों नहीं आया भाई, वो तो गलत बात है, तो मैसेज आया था लेकिन पता नहीं चला, चलो नहीं पता चला किस बारे में था। चल भाई चल चल चल, हट बे, ओ ग्लोबल मेल, ग्लोबल मेल्स, कम ऑन बेबी कम ऑन। यो ना हटा भाई, देखते पीछे कोई नहीं है भाई, खाली रोड, ये आई गाड़ी, अरे हाय गाड़ी लेके जा रहा भाई, इधर कौन है, ओ भाई 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 तू कहाँ जा रहा, क्या हो? अच्छा अच्छा रेड लाइट है, तो बताते क्यों नहीं भाई, आवाज़ बूझ मार दो पीछे कि भाई आगे बत्ती और की है। ये तो इसमें जो कार्गो है वो काले रंग का नज़र आ रहा है, उसको भी थोड़ा बढ़ा सक, उसको वाइट कर सकते हैं। अब देख रहे हो धूप कितनी रियल लग रही है, ऐसा लग रहा है कि भाई असली सूरज निकला हुआ एकदम बढ़िया सा, और हम जा रहे हैं बिल्कुल सूरज में। जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे भाई रेट रेसिंग काम करेगी, फिर सूरज ढलना शुरू होगा। तो मैंने भाई 10-15 बार इसकी मतलब टेस्टिंग करी बढ़िया सी, तब जाके मेरे को अब लगा ये सही है, अभी भी थोड़ी बहुत कमी है। बताना क्या नहीं आपको, क्या अच्छा लगा इसमें और क्या आपको कमी लगी या कोई ख़राबी लगी तो बताना मेरे को ज़रूर, आपके कमेंट का रहेगा मुझे इंतज़ार। और आज है भाई शनिवार, तो आज कोई वीडियो नहीं बना पाया यार मैं सुबह से, सॉरी उसके लिए। तो देखो भाई साइड में बिल्डिंग है, देख रहे हो बिल्डिंग का, देख रहे हो क्या कलर आ रहा है बिल्डिंग का, वो अगर इसको ग्राफिक हटा के देखा जाए ऐसे, ये ऐसी मरी हुई लग रही है, देखो शहर देखो पूरा मरा हुआ, और शहर में जान डाल देते हैं देखो भाई, आता ना मज़ा देखो, है ना चीज़ ये भाई, ग्रीनरी देखो क्या
शानदार लग रही है। चलो ओके, बहुत हो गई गिनरी, भा भगा 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 इसको, इधर करते हैं भाई इसको एक बार। तो मैरून कलर में करना चाहता था लेकिन वो अभी मेरे कस्टम मेरा खुला नहीं है, मेरा लेवल कम है, तो लेवल जैसे ऐसे हो जाएंगे, मतलब कम से कम 30 लेवल होंगे तो सब कुछ खुल जाएगा मेरा, एवरीथिंग अनलॉक हो जाएगी गैरेज के अंदर, तो फिर मैं इसमें इंजन और बड़ा अच्छा शायद लगा सकता हूँ और कई चीज़ें हैं जो अपग्रेड कर सकता हूँ। और इसकी बॉडी भी अभी तो नहीं, जो ट्रक की बॉडी है वो नॉर्मल है, जो इसका ढांचा है ना, जो चेसी है, तो मुझे भाई इसकी चेसी भी लेनी है नई वाली बढ़िया वाली, वो भी नहीं मिली मेरे को। और देखो पुल वगैरह आ गए भाई साइड में, रोड़ी का प्लांट लगा हुआ देखो साइड में, वो देखो यहाँ पर भी आया था शायद मैं एक बार। तो ये क्या चीज़ है भाई, पता नहीं इसके साथ क्या करते हैं। तो ये क्या हुआ भाई, फैक्ट्री चल रही, फैक्ट्री है उस पर काम हो रहा है। और व्हाट द, अब ये कौन सा बटन दब गया? अच्छा भाई जी दब गया था गैराज मैनेजर। भाई हॉर्न बजाने लगा था, सॉरी यार। तो इसके अंदर दो हॉर्न है भाई, एक तो मैंने लगा रखे हैं अपने, एक ये भाई सेंटर में चलाते हैं क्योंकि अभी राइट में जाने का रास्ता आ जाएगा, फिर पीछे वाले दुखी करेंगे हॉर्न मार मार के टैं 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 करेंगे। ओए ओए देखो क्या बिल्डिंग है भाई, रेस्टोरेंट बना हुआ है भाई, बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है। देखो नीचे पूरा शहर है, गाड़ियाँ देख रहे हो भाई, हरी लाल, वो देखो पीछे लाल पीली गाड़ियाँ भाई कितनी, ओ लाल और पीली गाड़ियाँ कितनी सारी भाई, और देखो पीली पीली गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, लाल और पीली हैं बस ज़्यादा इस शहर में लोगों को रेड और येलो कलर की गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद है। और भाई अपने ट्रक ने फुल रफ्तार पकड़ रखी है एकदम गदर, हट जा भाई हट जा, चक दे फट्टे नाप दे गिल्ली, हट जा नहीं तो कर दूंगा बेटा तेरी गड्डी ढिल्ली, मार के टक्कर कर दूंगा इसको ढीला। तो अभी तो हट नहीं रहा ये भाई, इंडिकेटर लगाते हैं यार इसको मोड़ते हैं, जो ना हटे, ओ भाई हटे ना 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 ना, ओ भाई मुड़ना था, ओ भाई मुड़ना था यार, मैंने देखा नहीं यार, वो ऊपर वाला मोड़ जो सेंटर में लगाया था वो लगाना पड़ेगा, वो हटाया हुआ है। ब्रेक देखो भाई क्या आवाज़ मारती है ब्रेक, रुक जाओ भाई बत्ती हो रही है अपनी, ज़्यादा चौड़ा नहीं होगा। ओ भाई किधर जा रहा, इधर को चलना, काट 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 काट, मैं सामने वाले रोड पे जा रहा था, स्पीड लिमिट 40। अच्छा भाई इधर फिर मोड़ना, लो भाई लगता है वो भाई उस रोड बजरी वाले प्लांट में तो नहीं जाना है भाई, वो जो बजरी वाला प्लांट था मैं कह रहा था मैं वहाँ पे आया था शायद, तो हो सकता वहीं पे जाना हो। लो भाई ओके निकालते हैं इसको, काट देंगे भाई थोड़ा सा आगे बढ़ा के, ये लो भाई पहुँच तो गए, मैं लगता पास, ओए पहुँच भी गए भाई हम तो, भाई मैंने तो दबे रहना पता ना चला, मैंने दबे रहना पाटा। वो देखो भाई थार लेकर जा रहा था, भाई थार लेकर जा रहा था बंदा, देखो भाई गाड़ियाँ चाड़ियाँ, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार, बहुत ही बढ़िया मज़ा आ रहा है। चल भाई मोड़ दे, ओके चल 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 चल, रुक के ए रुक क्यों जाता है, ओके काट देंगे भाई बढ़िया सा, ओके। तो यहाँ पर भी हैं कुछ फैक्ट्री, ओ भाई ट्रेलर खड़े हो कितने सारे यार, देखो फैक्ट्री है तगड़ी और तगड़ी। ओ यार हम तो वहीं जा रहे हैं रेलवे के वहाँ पे, ओ भाई कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है, इधर चल 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 चल। ओ यार यहाँ तो मैं आया था पहले रेलगाड़ी के वहाँ पर, हमने यहाँ पर वो छोड़ी थी भाई पहले लग्जरी कार्स, आपने वीडियो नहीं देखा तो देख सकते जाके, तो लग्जरी कार उसी जगह पे आया हूँ मैं ट्रेन के पास, यहीं पे माल छोड़ना। अच्छा ये ट्रेन में जाएगा भाई किसी देश में, ओके दूसरे स्टेट में जाएगा, मतलब देश में नहीं जाएगा, अमेरिका की दूसरी स्टेट में जाएगा, बहुत बड़ा है अमेरिका भाई। ओके ओके बेटा ब्रेक मार दे, तो देखते हैं कहाँ पे छोड़ना भाई इसको, तो ऐसे करके लगाना है तो इतने पॉइंट और सीधा सीधा लगाना है, चलो आज ऐसे करके लगाते हैं, देखते लग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो एस्केप दिखा भाई एंटर मार के भाग जाएंगे। अच्छा तो बीच में फंसाना है इसको, ओके फंसा देंगे भाई फंसा देंगे, हेड टुवर्ड्स ओके। अच्छा अच्छा तो यहाँ है भाई,
ये है भाई अपना रेलगाड़ी का स्टेशन, यहाँ पे आती है गाड़ियाँ। ये देखो कुछ और माल भी आया हुआ भाई यहाँ पे, तो ले चलते हैं इसको आगे, बिल्कुल मुड़ जाएगा। बस 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 ओ बस 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 ला ले बस। चल भाई पीछे चल 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 ले चल। बस बस ओह ये क्या हुआ, अबे भाई ठोक दी। अरे भाई तो ठुक भी गई। अरे भाई सीधा कर इसको, जान जान के ट्रेलर के साथ खड़ा करवाते हैं भाई, थोड़ी खुली जगह नहीं दे सकते तुम वक्त, तो जान जान के ठुकवाते रहते हो। तो कितनी दूर है भाई, भाई लगते हैं यहाँ से बिल्कुल सीधा ही करना पड़ेगा एक मिनट। ओके बस बस ओके, ज़्यादा ही काटनी पड़ेगी कुछ अब, सही चल काट दो भाई फुल काट दो इस बार। बहुत लंबा भाई, आगे लेके फिर ठुक जाएगा। 1400 रुपये तो वैसे उसने मार लिया हमारा ठोक ठोक के। बस अब सीधा सीधा ले चल। ओके चल भाई चल हाँ चल चल चल, थोड़ा सा इधर काट दे। हाँ ओके सही जा रहा, ठीक है भाई बहुत बड़ा ही। ओके चल बस आगे 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 लाइन पे आ गया पप्पू लाइन पे आ गया। लो भाई छोड़ दिया माल। तो ये था भाई आज हमने छोड़ा इसको, क्या था भाई ये देखते हैं अभी बाद में। तो ठुक गया थोड़ा बहुत, चलो यार लग जाती है गाड़ी चलती है रोड पे। तो हमने छोड़ा टब ग्राइंडर। अब ये टब ग्राइंडर में क्या होता है मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो बताना कमेंट करके। इसको करते हैं कंटिन्यू। ओह भाई हाई वैल्यू कार्गो फ्रैगल कार्गो, तो इसको करते हैं ऐड। तो ठीक है भाई ये तो आज का गेम प्ले, और ये देखो ये ऐसे ओरिजिनल, तो इसका जो ओरिजिनल स्टाइल है भाई कलर वगैरह वो ऐसे हैं। तो जो कलर मैंने लगाया ना ये देखो दानेदार है, लेकिन मैं इसको जब एनहेंस कर देता हूँ इससे स्क्रोल लॉक से तो ऐसे हो जाता है। अच्छा तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ ये होम से। तो ये लगाया मैंने भाई देखो DPX लगाया हुआ है, और इसके ऊपर सेटिंग करी है मैंने सारी DPX FXAA और ल्यूमा शार्पनेस, थोड़ी सी शार्पनेस के लिए, और टेक्निकलर और कर्व्स लगाए हैं। HDR लगाया इससे भाई थोड़ी सी ऐसे ये देखो ब्राइटनेस आ जाती है, और HDR से थोड़ा ये जो ब्राइटनेस ज़्यादा होती है इसको कम कर देता है। और लेवल्स क्या करते हैं कि लेवल वाइज को ठीक कर देते हैं। तो मैंने इतने लगाए हैं फिल्टर, वैसे तो इसमें बहुत सारे फिल्टर हैं, ये मतलब प्लग इन है जो इसको क्या बोलते हैं आप, तो बहुत सारे शेडर हैं मतलब एक तरह के। तो मैंने अभी 1 2 3 4 5 6 7 ही लगाए हैं, तो इसमें भी जाके वैसे तो इसमें करनी पड़ती सेटिंग, लेकिन अभी नहीं करनी पड़ेगी जब हम लगाएंगे दूसरा वाला। तो ये रही आर ग्लोबल, ये मैंने कहीं से डाउनलोड करी थी, ये 0.24 पता नहीं अर्ली एक्सेस। अच्छा ये है इसको ऑफिशियल वर्जन, तो अगर वो लेना है तो वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये मैंने हटाया हुआ है, चलता नहीं बेकार है, मतलब ये काम नहीं करता, क्योंकि जब तक खरीदोगे नहीं ये काम नहीं करेगा, इसका लाइसेंस लेना पड़ता भाई। तो मैंने कोशिश करी थी कहीं से डाउनलोड करके, लेकिन भाई चला नहीं, फिर मैंने ये लगाए भाई, इसी से बहुत अच्छा काम करता है, और कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैंने इसको प्रोफाइल को सेट कर रखा है, सेव कर रखा है मतलब स्टार के अंदर, तो स्टार डॉट ऐसे ये एक रीशेड इनिशिएट है, और इनिशियलाइज करती है जब ये चलता है गेम, तो एक ये मैंने कर रखे दो, तो ये स्टार में सेट कर रखी। ओके तो ये मैंने सारे प्री सेट अपने हिसाब से सेट कर रखे हैं जैसे जैसे मुझे चाहिए। तो अगर मैं इसको अब हटा देता हूँ तो भाई ऐसा आता है इसका व्यू, है ना भाई गदर और मज़ेदार। और ये देखो ये ओरिजिनल, बताओ ओरिजिनल में उसमें कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चलो दोस्तों बताना कैसा लगा, अगर आपको ये रीशेड चाहिए तो मैं भेज दूंगा अगर आपको पता है तो, क्योंकि यार उसके बगैर तो कोई फ़ायदा नहीं आपको भेज के, आपको लगाने नहीं आएंगे दिक्कत हो जाएगी। चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो भाई, खाओ पियो स्वस्थ रहो भाई एकदम मस्त रहो। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।